हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन अरबी मुअल्लिम के हिस्से से आपके सामने पेश हुआ हूं और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास। मेरे अजीज होनहार तलबा, आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के जरिए से आज आप लोगों को अरबी पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग अरबी के अंदर भी मेहनत और सलाहियत को पैदा करते होंगे। तो मैं आज आप लोगों से मैं ये सोचा कि आप लोग आज इस्लामी दीनियात यानी इस्लामी इस्लाम में जो दाखिल होने के जो शरायत हैं उस चीज को सीखें। क्या है कलमा? सबसे पहले इस्लाम के पांच अरकान है क्या? तौहीद, जिसको कलमा पर बोलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो उसको याद करना पड़ेगा, है ना, उसके तस्रीह में जाना पड़ेगा। तो मैं आज आप लोगों को अरबी ग्रामर नहीं पढ़ा करके आप लोग को कलमा सिखा रहा हूं, ठीक है। और आप लोग जबानी पढ़ के आप हमें वीडियो जैसे मैं आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं वैसे ही आप हमको देखा करके कलमा पढ़ेंगे, ठीक। ओके, लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पहला कलिमा ना, पहला कलिमा। क्या है लिखा है? पहला कलिमा। इस्लाम में दाखिल होने के लिए कलमा शर्त है। इस्लाम में अगर दाखिल होते हैं तो कलमा पढ़ना आपके ऊपर लाजिम क्या फर्ज है। क्या लिखा है कि ला इलाहा कोई नहीं, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, ला इलाहा कोई इबादत के लायक नहीं, ला इलाहा कोई नहीं, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। अच्छा, पहले मैं ये पहला कलमा, ला इलाहा कोई अल्लाह कोई नहीं, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के सेवा कोई इबादत के लायक नहीं। क्या है पहला कलमा में? इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या लिखे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई ला के माने नहीं आता, ला माने नहीं है कोई इबादत के लायक, इल्ला मुस्तस्ना मगर, जिसको बोलते हैं मगर, नहीं है कोई इबादत के लायक, सिवाय अल्लाह के, इल्ला क्या है, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद यानी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तर्जुमा लिखते हैं, तर्जुमा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के
लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के ला इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो प्यारे बच्चों, कलमा ज़बानी तो सुनेंगे ही, तर्जमा भी आपको ज़बानी याद कर लेना, ठीक है? करके सुना देंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो पहले तो ये नहीं सोचेंगे कि पिछला सबक बंद करके आगे किया, इसलिए कि इसको मैं टेंशन कर दूं तो फिर आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है? इसको आप सही कर लें। और हर बच्चा व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग करके या वीडियो बना करके हमारे व्हाट्सएप में भेजेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता, ठीक है? ओके, ये याद करके भेजेंगे, दिखाएंगे वीडियो में, जैसे मैं आपको आपके सामने बड़ो होकर के क्या कहता हूँ कि देख रहा हूँ, आप मेरा चेहरा देखते हैं और अपना सबक को पढ़ते हैं, ठीक है? ऐसे ही आप हमें एक स्टूडेंट के नाते खड़े होकर के हमें कलमा और मीनिंग सुनाएंगे, ठीक? ओके, इसको बता रहा हूँ। कलिमा शहादत ही देंगे, दूध ही देंगे कलमा, दूध कलमा चलेगा भी। कलमा शहादत, कलमा शहादत क्या है? कलमा शहादत अशहदु अशहदु अन्ना अल्लाह इलाहा 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्बू
क्या अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क्या है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये याद करेंगे इसका मीनिंग भी बताता हूं आपको शहादत गवाही देता हूं मैं कि बेशक अल्लाह इलाहा अल्लाह के सेवा कोई इबादत के लायक नहीं गवाही देता हूं मैं अल्लाह के सेवा कोई माबूद नहीं कोई इबादत के लायक नहीं वो अशहदु और गवाही देता हूं अन्ना मुहम्मद बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु अल्लाह के रसूल है वो अब्दुहु मुहम्मदन अब्दुहु अल्लाह के बंदे हैं और रसूल हो और उसके रसूल है क्या गवाही देता हूं मैं अल्लाह के सेवा कोई माबूद नहीं और गवाही देता हूं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं लिख दूं तर्जमा गवाही गवाही देता हूं मैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देता हूं मैं के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और उसके उसके रसूल हैं तो मीनिंग में देखिए यहां आप अरबी में देखेंगे अशहदु मैं गवाही देता हूं अल्लाह इला अल्लाह के सेवा कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह कोई गवाही देता हूं मैं के अल्लाह के सेवा कोई माबूद नहीं वो अशहदु और गवाही देता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु क्या अन्ना मुहम्मदन कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु हु की जमीर अल्लाह की तरफ जा रहा है जमीर जानते हैं ना वह जिस तरह उर्दू में पढ़े हैं वह उस उसने है ना उसकी तो हु अरबी में हु होता है तो हु जो है अल्लाह की तरफ जा रहा है शुक्रिया ठीक है अब्दुहु अल्लाह के बंदे वो रसूल और अल्लाह के रसूल हैं ठीक है प्यारे बच्चों आज का अरबी सबक आपका यहीं तक रहा।
खुदा हाफिज, सुभानअल्लाह, दुआ में याद रखेंगे और जकात के अदा करने का बयान। सॉरी इसको तो पढ़ चुका हूं, देखो मसला क्या बता रहे हैं, जिस पर सदका फित्र वाजिब है, जिस पर सदकाए फित्र वाजिब है उस पर बकरीद के दिनों में कुर्बानी करना भी वाजिब है। जिस पर सदकाए फित्र वाजिब होता है उसको बकरीद के दिन भी कुर्बानी करना, अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करना, 10 जिलहजा के में कुर्बानी करना भी फर्ज होता है। ना हो जितने के होने, अच्छा दिनों में कुर्बानी करना भी वाजिब है, और अगर इतना माल ना हो जितने के होने से सदका फित्र वाजिब होता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुर्बानी कर दे तो बहुत सवाब पाएगा। क्या सोचे, क्या आप समझ पाए इस मसला से? ये साफ साफ आपको दिमाग में बैठ गया होगा, जिसके ऊपर फितरा का पैसा वाजिब होता है कि आपको फितरा का पैसा बांटना आपके ऊपर वाजिब हो गया, अनिवार्य हो गया है ना, जरूरी हो गया है, अल्लाह की तरफ से लाजिम हो गया है, जिसके ऊपर लाजिम लागू हो गया उसके ऊपर वो भी लागू हो गया कुर्बानी का, जिलहज्जा के 10वीं तारीख को कुर्बानी करना भी आपके ऊपर फर्ज हो गया। अब जिसके ऊपर कुर्बानी करना ये फितरा देना वाजिब नहीं, जिसको फितरा देना वाजिब नहीं और वो बसौक और सिरनी समझ करके, सवाब समझ करके अल्लाह के रास्ते में पैसा जुटा करके मेहनत करके अगर वो कुर्बानी दे दिया तो बहुत बड़ा सवाब। ठीक है, मसला मुसाफिर पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं, जो चलता फिरता रास्ता चल रहा है मुसाफिर है उसको कुर्बानी, उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब नहीं। बकरीद की 10वीं तारीख से लेकर 12वीं तारीख की शाम तक कुर्बानी करने का वक्त है। बकरीद की 10वीं तारीख से लेकर के बकरीद की 10वीं तारीख से लेकर 12वीं तारीख की शाम तक कुर्बानी करने का वक्त है, चाहे जिस दिन कुर्बानी करे लेकिन कुर्बानी करने का सबसे बेहतरीन दिन बकरीद का दिन है, फिर 11वीं तारीख, फिर 12वीं तारीख। सबसे पहला बेहतरीन तारीख ये कुर्बानी कब है, 10 जिलहज्जा को, उसके बाद 11 जिलहज्जा को, उसके बाद 12 जिलहज्जा को कुर्बानी देना चाहिए, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका अरबी और दीनियत यहीं तक रहा। खुदा हाफिज, आज के लिए छुट्टी दिया जाए। खुदा हाफिज, बियानिल्ला, अस्सलामु अलैकुम, अहलन व सहलन, मरहबा, खुश आमदीद। खास करके इस नाचिस बंदे के लिए दुआ में याद रखेंगे। ठीक, ओके, बाय, गुड नाइट।